नमस्ते। तो कैसे हो यार आप लोग? अगर आपके पास कोई डीजल कार है तो मेरे पास आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलो शुरू करते हैं। सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग फॉर अ मंथ। अब घर में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं कर पाया अपलोड। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट डोंट वरी, अब सब कुछ ठीक है। तो चलो अनबॉक्स करते हैं इस प्रोडक्ट को। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक अमेजोन लिंक है जहां से मैंने ये ऑर्डर किया है। ये प्रोडक्ट मुझे अराउंड 800 रुपीज का मिला है एंड 4 to 5 डेज में मुझे डिलीवर हो गया था। सो इस बॉक्स में आपको लिक्वी मोली के स्टिकर्स भी मिलते हैं। नीचे कमेंट्स में बताओ कौन सी BMW है ये। हिंट, पुरानी M3 है, बट कौन सी। सो दिस इज लिक्वी मोली डीजल पर्श। अब इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ये किसी भी डीजल इंजन में यूज हो सकता है। अब ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली करता क्या है? ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि जो डिपॉजिट होते हैं इंजेक्शन नोजल्स पर और इन द कम्बशन चेंबर, उस डिपॉजिट को ये प्रोडक्ट क्लीन करेगा। ऑल्सो मॉर्निंग में जो डीजल इंजन रफ स्टार्ट होते हैं और जो न्यूट्रल गियर में वाइब्रेशन होती है आइडल में, वो भी कम हो जाएगी। एंड एट लास्ट इट ऑल्सो क्लीन्स एग्जॉस्ट गैस वेल्व्स। अब क्लीन इंजन फ्यूल कम यूज करेगा एंड इवेंचुअली माइलेज भी अच्छी हो जाएगी व्हीकल की। फॉर दोज हु आर वंडरिंग, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आई एम शोइंग कि मेरी कार में क्या रिजल्ट देता है ये प्रोडक्ट। नोर आई एम सेइंग कि आप अभी यूज करो, डू योर रिसर्च एंड देन डिसाइड। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि इंजन ऑयल में मिक्स करना होगा इसको, बट गलती से भी इंजन ऑयल में मत डालो। आप इस प्रोडक्ट को अपने फ्यूल टैंक में डालोगे एंड मेक श्योर द टैंक इज फुल। ये प्रोडक्ट आराम से डिसॉल्व होगा अप टू 75 लीटर्स ऑफ फ्यूल एंड मेक श्योर टू एम्प्टी द फुल बॉटल इन योर फ्यूल टैंक। उसके बाद 30 किलोमीटर कार को चलाओ। अब ये ऑप्शनल है, मैंने कार को थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेट किया था व्हाइल आई वाज ड्राइविंग ऑन द हाईवे ताकि फ्यूल कैन ट्रेवल एट अ फास्टर रेट। ऑल्सो दिस इज अ रीजन व्हाई माई फ्यूल टैंक लास्ट ओनली 500 किलोमीटर्स। तो अब इन बातों को एक महीना हो गया है एंड आई हैव ड्रिवन अबाउट 2000 किलोमीटर्स एंड द रिजल्ट इज कि जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत इंप्रूव हुआ है नोटिसेबली। मॉर्निंग स्टार्टअप्स में थोड़ा फर्क है बट ज्यादा नहीं। माइलेज भी इंप्रूव हुई है। पहले कार अराउंड 500 किलोमीटर चलती थी एक टैंक में, बट अब 600 किलोमीटर एक टैंक में कार नॉर्मली चल रही है। आई कैन से इंजन ओवरऑल बहुत स्मूथ हो गया है। मैं इस कार को 3 साल से यूज कर रहा हूँ तो पता चल जाता है कि फर्क पड़ा है या नहीं। आई हैव ड्रिवन इट अराउंड 80,000 किलोमीटर्स, तो ये थोड़ा बहुत फर्क पता चल जाता है व्हेन आप डेली ड्राइव करते हो किसी कार को। सो अगर आप इवेंचुअली इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ अपने रिजल्ट्स के बारे में। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आए, गंदे रिजल्ट्स आए या रिजल्ट्स आए ही नहीं, तो भी आप अपना एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन लिंक है वेर यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। तो एंड में आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी ना आप चाहते हो तो सब्सक्राइब करो यार, उस लाल बटन को दबाओ। ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, यूजफुल नहीं लगी तो डिसलाइक का भी ऑप्शन। एम रखते हैं इस वीडियो के लिए 19 likes। तो यार ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में।